चुनाव प्रचार अभियान समिति की बैठक हुई संपन्न। कांग्रेसियों ने तय की आगामी चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार की रणनीति। घोघर ब्लॉक की थी बैठक। आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किस तरीके से होना चाहिए, इस दौरान प्रत्येक सदस्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, बड़े नेताओं के दौरे को लेकर किस तरीके से तैयारी करनी है, पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर घर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अपनी कार्य योजना पहुंचाने की रणनीति तैयार करने को लेकर रीवा विधानसभा की कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान समिति की बैठक हुई संपन्न। बैठक के दौरान यह तय किया गया, भाजपा की गलत नीतियों तक जनता को पहुंचाने के कार्य के साथ कांग्रेस की योजना को विधानसभा के कोने कोने तक पहुंचाना है, इसके लिए बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार करना है। नेता अपने को नेता ना मानकर कार्यकर्ता बनकर कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर कार्य करें। बैठक के दौरान घोघर ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज चुनाव अभियान समिति रीवा विधानसभा की पहली बैठक और इस बैठक में जो हमारे चुनाव अभियान समिति के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं महाराज सिंधिया, तो उन्होंने जो इश्यूज दिए थे उस पर अभी तक तो बैठक में लोगों को बताना था कि किन बिंदुओं पर आगे जाना है। तो अभी घोघर ब्लॉक की थी और 10 तारीख को छिरौली ब्लॉक की, और इस बैठक के बाद ये तय होगा कि जो महाराज का दिया हुआ प्रोग्राम है कि आपकी कांग्रेस आपके द्वार, तो उस पर एक नंबर वार्ड से शुरू करेंगे, इसकी पूरी रूपरेखा होगा और नगर निगम के पार्षद जो हैं वो जो ग्रामीण के जो 25 पंचायतें हैं उसमें वो सारी चीज़ें उसमें जाएंगी। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये थी कि जो मैं जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको भी और NSYI के अध्यक्ष हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि युवाओं को और बेरोजगारों बेरोजगार वो जो ग्रेजुएट हैं पोस्ट ग्रेजुएशन हैं और इसके बाद भी उनकी नौकरी नहीं, और सरकार लगातार दावे कर रही है कि इतने स्वरोजगार मेला कर रही है या इन सारे IT के साथ इन सब चीज़ों को कलेक्ट करना है, और लोकल इश्यूज़ पर बातचीत होनी है कि किन किन लोकल इश्यूज़ पर जो यहाँ जनता जी चीज़ों से प्रताड़ित है, जैसे हॉस्पिटल का है, जैसे शिक्षा का है, जैसे सुरक्षा का है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत होगी, जिसकी रूपरेखा भी बन रही है जो योजना आज बताई गई है लोगों को सदस्यों के माध्यम से, और 10 तारीख की बैठक के बाद में इसको पूरा अमलीजामा पहनाया जाएगा, तब आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी।